दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि आप फ्री में दोस्तों अपना आधार और पैन कार्ड कैसे लिंक करेंगे। दोस्तों अभी काफी लोगों के यहाँ पे पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो चुके हैं, तो उनको कैसे आप इनेबल करेंगे। दोस्तों अगर आप अपना आधार और पैन कार्ड लिंक नहीं करते तो ना तो आप स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते और ना ही आपकी जो होल्डिंग रखी हुई है आपके डीमैट अकाउंट में उसको सेल कर सकते और ना ही आपको कोई लोन मिलने वाला है। क्योंकि दोस्तों अभी जो लोन मिलता है वो आधार और पैन कार्ड के बेस पे ही आपको लोन मिलता है, ज्यादातर लोन एप्लीकेशंस इसी के ऊपर लोन देती है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए दोस्तों हमारा आधार और पैन कार्ड आपस में लिंक होना जरूरी है। तो दोस्तों मेरा एक पैन कार्ड है जो अभी डीएक्टिवेट हो चुका है, उसको मैं अभी आपको लाइव करके दिखाऊंगा कैसे आपको यहाँ पे प्रोसेस करनी होती है। और अगर आप फ्री में लिंक करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ ट्रिक का इस्तेमाल करना होगा, वो ट्रिक भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे डीमैट अकाउंट ओपन किया था, तो यहाँ पे देखिए जैसे मैं डीमैट अकाउंट को यहाँ पे ओपन करता हूँ यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर आएगा। जैसे मैं मोबाइल नंबर डालूंगा यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करूंगा। जैसे ही दोस्तों मैं अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे दोस्तों सेबी की गाइडलाइन आ चुकी है कि अगर आपका आधार और पैन कार्ड आपस में लिंक नहीं है तो आप यहाँ पे डीमैट अकाउंट नहीं खोल पाएंगे। तो आप डायरेक्ट दोस्तों यहाँ से भी जा सकते हैं और मैं इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दूंगा, उसके ऊपर भी क्लिक करके आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिंक यूर पैन, आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। ये मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ दोस्तों एजल वन के प्लेटफॉर्म से। तो इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे इनकम टैक्स थी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। तो यहाँ पे आपको आ जाना है। यहाँ पे दोस्तों आपको दो काम करने होंगे, यहाँ आप अपना पैन नंबर भरेंगे, यहाँ अपना आधार नंबर भरेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन से वैलिडेट, आप वैलिडेट के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों मैं अपनी सभी डिटेल्स भर दूंगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे अपनी दोनों डिटेल्स भर दी, ऊपर मैंने अपना पैन नंबर भर दिया, नीचे अपना आधार नंबर भर दिया। नीचे एक ऑप्शन से वैलिडेट, आप वैलिडेट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे कंटिन्यू टू पे थ्रू इनकम टैक्स पे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आप अपना पैन नंबर भरेंगे, अपना पैन नंबर कंफर्म करेंगे, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर भरेंगे, नीचे एक ऑप्शन इनेबल हो जाए कंटिन्यू, आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे अपनी सभी डिटेल्स भर दी, नीचे एक ऑप्शन से कंटिन्यू, आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आप यहाँ पे भर देंगे। जैसे आप ओटीपी को भरेंगे यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन से कंटिन्यू, आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका ओटीपी सक्सेसफुल वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पे आपका पेन नंबर दिखाएगा, यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पे दिखाएगा। नीचे एक ऑप्शन से कंटिन्यू, आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे देखिए इनकम टैक्स वाला ये पेज है, आप यहाँ पे प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको ईयर चुनना होगा, तो यहाँ पे आप ईयर चुनेंगे, यहाँ पे आपको 2425 करना है। यहाँ पे नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, टाइप ऑफ पेमेंट माइनर हेड, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे देखिए अदर रिसीव 500, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा फी एंड डिले इन लिंकिंग पेन विद आधार, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू, आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पे नीचे दोस्तों स्क्रॉल कर देना है। जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए हमारा आधार और पेन लिंक नहीं था, तो अभी हमको 1000 रुपए यहाँ पे करने पड़ रहे। तो दोस्तों अभी आपके माइंड में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आपका आधार और पैन यहाँ पे फ्री में लिंक कराऊंगा, बट मैं यहाँ पे खुद भी 1000 रुपए जो है पे कर रहा हूँ, तो फ्री में कैसे करना है वो भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। पहले ये प्रोसेस आप देख लीजिएगा, फिर मैं आपको दो ऐसे तरीके बताऊंगा जिनकी मदद से आप फ्री में कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कंटिन्यू का ऑप्शन है, कंटिन्यू के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू इंटरफेस ओपन होगा, यहाँ पे आपको अपनी पेमेंट्स करनी होगी। तो यहाँ पे एक बार आप अपना पेन नंबर चेक कर लेंगे, उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए आप अपनी बैंक चुनेंगे, किस बैंक से आप पेमेंट करना चाह रहे हैं, तो मैं स्टेट बैंक से पेमेंट करना चाह रहा हूँ। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कंटिन्यू, आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे अगेन आपको अपना पेन नंबर चेक कर लेना, ये फाइनल आपकी डिटेल्स है, आप इसको चेक करेंगे। आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे देखिए पे वाला ऑप्शन है, पे नाउ के ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस का पेज आएगा, आप इसको पढ़ेंगे, यहाँ पे एग्री करेंगे, यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन है, आप सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका इंटरनेट बैंकिंग वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप अपना यूजर आईडी डालेंगे, यहाँ पे पासवर्ड भरेंगे, पे आप लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे मैं डिटेल्स भर दूंगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने अपनी डिटेल्स भरी, मैं अपने नेट बैंकिंग के पेज में आ चुका और यहाँ पे आप देख सकते हैं 1000 रुपी ओनली। तो यहाँ पे आप कन्फर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप कन्फर्म के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके अमाउंट की डिटेल्स दिखाएगा। पेज को यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे जो भी मोबाइल नंबर आपकी बैंक साथ लिंक होगा उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा, यहाँ पे ओटीपी आप भर देंगे। नीचे एक ऑप्शन से कन्फर्म आप
आप कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देंगे तो मैं अपना ओटीपी डाल दूंगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपना ओटीपी डाला, पेमेंट्स कंफर्म हो चुका। ये अभी हमको रीडायरेक्ट कर देगा इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस चालान पेमेंट इज सक्सेसफुली। तो यहाँ पे आपको इसको डाउनलोड कर लेना है ताकि बाद में आप इसको ट्रैक करें तो आप चीजों को यहाँ पे इजिली कर पाए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको अराउंड 24 आवर्स के बाद अपना आधार और पेन को जो है चेक कर लेना। चेक अभी कैसे करते हैं हम लोग ये समझ लेते हैं, उसके बाद फ्री में कैसे करना है वो तरीके मैं आपको बता देता हूँ। आप इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आएंगे, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिलेगा लिंक आधार स्टेटस, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको अपना पेन नंबर भरना है, यहाँ पे अपना आधार नंबर भरेंगे तो ये स्टेटस आपको दिखा देगा। तो यहाँ पे देखिए मैं डिटेल्स भर दूंगा। पेन नंबर आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है व्यू लिंक आधार पेन स्टेटस, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए यूअर पेन कार्ड इज ऑलरेडी लिंक गिवन आधार कार्ड। तो अभी दोस्तों हमारा लिंक है। तो दोस्तों ये चेक करके मैंने अभी अपना बताया था, तो मेरा लिंक है, मेरी वाइफ का भी लिंक होने में 24 तक का टाइम लगेगा। कभी ये जल्दी भी हो जाता है, बट जो हायर टाइम है वो आपको 24 लगने वाला है। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पे आधार और पेन लिंक कर सकते हैं। अभी दोस्तों आप में से काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे ₹1000 पे क्यों करे, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसको फ्री में भी कर सकता था। बट दोस्तों इसका मेनली कारण है, ये जो पेन कार्ड है इसके ऊपर अराउंड 5 साल का सिविल हिस्ट्री, आप कह सकते हैं हमारा क्रेडिट हिस्ट्री जुड़ा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे जो फ्री वाले तरीके अगर मैं उनको अप्लाई करूंगा तो दोस्तों इसमें क्या होगा, जो हमारा सिविल स्कोर है या हमने जो क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड करी है वो यहाँ पे हट जाएगी और हम जब लोन लेंगे तो ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमको लोन मिलेगा और ज्यादातर केसों में दोस्तों हमारा लोन डिक्लाइंड हो जाएगा, तो हम लोग को लोन की नीड होती है, इसलिए मैंने ये वाला पेन कार्ड रखा। अभी आप लोग इसको फ्री में कैसे कर सकते हैं, तो फ्री में करने के मैं आपको दो तरीके बता रहा हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों आप एंजल वन का रेफर एंड अर्न वाला प्रोग्राम यहाँ पे कर सकते हैं। तो एंजल वन का मैं लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। और दूसरा तरीका दोस्तों यहाँ पे यही है कि यहाँ पे आपको इस पेज के ऊपर आना है। आप इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे, जो मैं सबसे ज्यादा लोगों को सजेस्ट करता हूँ जिनकी सिविल हिस्ट्री नहीं होती उनको क्या करना चाहिए। यहाँ पे देखिए इंस्टेंट ई पेन का ऑप्शन आता है, यहाँ से दोस्तों आपको नया पेन अपना बना लेना है। सिर्फ 5 मिनट के अंदर आपका यहाँ पे पेन कार्ड बन जाता है। तो यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे देखिए गेट न्यू पेन कार्ड, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपना आधार नंबर भरेंगे, यहाँ पे चेकबुक लगाएंगे, कन्फर्म करेंगे, आपके नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी वेरीफाई करेंगे तो आपका इजिली यहाँ से पेन कार्ड बन जाएगा फ्री में। जैसे ही आपका ये पेन कार्ड बन जाएगा तो ये ऑलरेडी आपके आधार कार्ड से लिंक होके बनेगा, क्योंकि ये जो भी डाटा लेता है आपका आधार कार्ड से यहाँ पे डाटा लेता है। दूसरा जो पहले वाला कार्ड रहेगा जो आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है, आपको इनकम टैक्स के अंदर एक एप्लीकेशन देना होता है। जैसे ही आप एप्लीकेशन देंगे तो आपका जो पुराना वाला पेन कार्ड है आपको उसको बंद करा देना है, आपको इनकम टैक्स के ऑफिस में जाना है, जो भी आपके पास में पड़े वहां पे जाइएगा, वो वाला पेन कार्ड बंद करा दीजिएगा। तो आपको कोई भी वहां पे चार्जेस नहीं देना होता, सिंपल सा आपको एक एप्लीकेशन देना होता है और 100 से 150 रुपए का एक स्टाम्प होता है, उसमें आपको नोटरी करानी होती है, तो 300-400 रुपए में आपका जो है काम हो जाएगा। बट मैं आपको जो सिंपल तरीका बता रहा हूँ, आप एंजल वन के 2 से 3 डीमेट अकाउंट रेफर कर दीजिएगा, उनका डीमेट अकाउंट ओपन होगा। तो अभी दोस्तों एंजल वन के अंदर 500 रुपए से लेकर 750 रुपए तक का रेफरल मिल रहा है। तो मैंने मेरी वाइफ का भी ऐसे ही करा है दोस्तों, मैंने इनका एंजल वन में डीमेट अकाउंट खोला है, वहां से हम लोग को 500 रुपए मिल जाएंगे। जैसे ही वहां से 500 मिलेंगे 500 रुपए मैं मिला दूंगा और एक डीमेट अकाउंट और खोल दूंगा, तो इनका जो मैंने अभी लिंक करा है वो यहाँ पे फ्री में हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ जानकारी काफी अच्छी लगी होगी। फिर भी एंजल वन में रेफर एंड अर्न करके कैसे पैसे कमाया जाता है, तो अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं डिटेल्स में उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा और एंजल वन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं और किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। चलिए धन्यवाद।